स्टूडेंट एसएससी सीजीएल ने अपना 2018 का वैकेंसी नोटिफिकेशन दे दिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 तारीख को ही आ चुका है नोटिफिकेशन। 5 तारीख से फॉर्म सबमिट हो रहा है। यहाँ पे डेट ऑफ एग्जामिनेशन पूरा डिटेल से दिया हुआ है। स्टूडेंट 4 जून 2018 को इसका क्लोजिंग डेट है। एप्लीकेशन जो सब हम लोग भरते हैं उसका 4 जून का लास्ट डेट दिया हुआ है। डेट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन टीयर 1 का डेट यहाँ पे डेट दिया है 25 जुलाई से लेकर 20 अगस्त तक इसका एग्ज़ाम होगा। और डेट ऑफ टीयर 2 का भी एग्ज़ाम का डेट दे दिया है यहाँ पे 27 नवंबर से लेकर 30 नवंबर 2018 तक एग्ज़ाम होगा। और टीयर 3 और टीयर 4 का एग्ज़ाम डेट अभी दिया नहीं है, बाद में देगा। अगर आप करंट अफेयर देखना चाहते हैं मार्च और अप्रैल का तो मेरे प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। यहाँ पे पोस्ट डिटेल दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा। पोस्ट कोड यहाँ पे शो कर रहा है। फॉर्म भरते वक्त पोस्ट कोड जो है ध्यान से भरिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो पोस्ट कोड गलत भर देते हैं, बाद में बोलते हैं कि कैसे चेंज होगा। ठीक है, फॉर्म भरने से पहले एक बार नोटिफिकेशन पूरा देख ही लीजिएगा। जो ग्रुप ए पोस्ट का है उसका पे बैंड यहाँ पे दिया, ग्रेड पे दिया हुआ है यहाँ पे 4800 है। और ग्रुप बी का जो है यहाँ पे 4600 है। बाकी पोस्ट वाइज यहाँ पे पोस्ट कोड दिया हुआ है, वो तो ध्यान से आप देखिएगा ज़रूर। एज लिमिट भी यहाँ पे दिया हुआ है और उसके बाद एज रिलैक्सेशन भी नीचे दिया हुआ है, आपको मैं दिखा रहा हूँ। हज़ारों स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन इंटरेस्टेड हैं, पढ़े लिखे हैं और बहुत अच्छे से तैयारी भी किए हैं, लेकिन वो फॉर्म भरने में गलती कर देते हैं जिसके वजह से उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। तो केयरफुली सबसे पहले आप ये नोटिफिकेशन पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही फॉर्म भरने जाइएगा। स्टूडेंट यहाँ पे जितना भी पोस्ट दिया हुआ है उसका पे बैंड यहाँ पे शो कर रहा है, देख लीजिए। उसके बाद नीचे ग्रुप सी का जो पोस्ट यहाँ पे दिया हुआ है स्टूडेंट, उसका जो यहाँ पे बैंड शो कर रहा है और उसका ग्रेड पे यहाँ पे शो कर रहा है 2800 2600 कुछ है। और पोस्ट कोड यहाँ पे भी दे रहा है आपका। पोस्ट कोड ध्यान से भरिएगा, जैसे कि आप पोस्ट ये भरना चाहते हैं ऑफिस अंडर सीजीडीए ऑडिटर, तो आप यहाँ पे फॉर्म भरते वक्त पोस्ट कोड चूज करना होगा यू रूल्स जो है यहाँ पे दिया हुआ है, ध्यान से पढ़िएगा स्टूडेंट। मैं पढ़ूँगा तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा, बहुत बड़ा रूल है इसका, आपको ध्यान से पढ़ना होगा। यहाँ पे भी दिया हुआ है ग्रुप बी और ग्रुप सी का यहाँ पे बैंड वगैरह दिया हुआ है। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, यहाँ पे आपका एज लिमिट जो है 1 अगस्त 2018 तक होना चाहिए। जो भी एज आपका गिना जाएगा 1 अगस्त 2018 तक गिना जाएगा, उसके बाद नहीं। अगर जो भी पोस्ट वाइज वहाँ पे दिया हुआ है आपका एज लिमिट, उस एज लिमिट आपका जो है 1 अगस्त 2018 तक देखा जाएगा, 1 अगस्त 2018 के बाद नहीं। जैसे कि नीचे भी दिया हुआ है आपको, मैं दिखा रहा हूँ अभी एज रिलैक्सेशन कैसा है। एस सी एस टी का जो है 5 साल है, OBC का 3 साल है, PWD का 10 साल है, PWD प्लस OBC का 13 साल है एज रिलैक्सेशन। एक सर्विस मैन है उनका भी यहाँ पे दिया हुआ है। बाकी अदर लोग जो हैं एम्प्लॉई उनके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, आप ध्यान से देखिएगा। जो पहले से सेंट्रल गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं उनके लिए भी यहाँ पे दिया हुआ है। कुछ इम्पोर्टेंट, एक और इम्पोर्टेंट ध्यान से पढ़िएगा, 5.8 में यहाँ पे दिया हुआ है। जो मैट्रिकुलेशन लेवल पे जो एक सर्विस मैन है और वो लगभग 15 साल से जॉब कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में, नेवी किसी नेवी में ही या एयरफोर्स में है, तो फिर उनका ये डेट दिया हुआ है 4 जून
2018 से पहले उनका अगर 15 साल हो जा रहा है जॉब करते हुए, सर्विस टाइम 15 साल अगर पूरा हो रहा है, तो वो ग्रुप सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर 4/6/2018 तक, 4 जून 2018 तक अगर 15 साल से उनका कम हो रहा है सर्विस टाइम, तो फिर वो इस पोस्ट के लिए, यहाँ पे दिया हुआ है, नॉट एलिजिबल होंगे। ठीक है, बाकी ये सब जो दे रहा है स्टूडेंट, ये आप पढ़ लीजिएगा, खुद ही ध्यान से पढ़िएगा। जो मैं मेन मेन है वो मैं दिखा रहा हूँ आपको, क्योंकि ये मैं पूरा पढ़ के समझाऊंगा तो फिर ये बहुत ही लंबा वीडियो हो जाएगा। तो अभी मैं जो बता रहा हूँ आप देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट कुछ दिखा रहा हूँ। यहाँ पे भी ये देख लीजिए, एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन के बारे में बता रहा है कि आपका जो भी ग्रेजुएशन का जो भी सर्टिफिकेट है, वो 1 अगस्त 2018 से पहले आपका डिग्री कंप्लीट होना चाहिए, पहला बात। दूसरा बात, यहाँ पे कुछ शर्त दे रहा है, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के लिए अलग क्वालिफ़िकेशन जो भी दे रहा है वो पूरा होना चाहिए। जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर अगर है आप, उस पोस्ट के लिए अगर आप फॉर्म सबमिट कर रहे हैं, तो आप ये ध्यान दीजिएगा, अगर आप जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए पोस्ट के लिए भर रहे हैं, तो आपके 12 में 60% मार्क्स जो है मैथमेटिक्स में होने चाहिए, या फिर बैचलर डिग्री में आपका एक सब्जेक्ट कम से कम स्टैटिस्टिक होना चाहिए, तभी जाके आप इस पोस्ट के लिए फॉर्म भर सकते हैं। और बाकी जो भी पोस्ट है उसके लिए नॉर्मल कोई भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएट का डिग्री होना चाहिए, बैचलर डिग्री ऑफ फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट। एक और चीज़ स्टूडेंट, जैसे कि मैंने ऊपर बताया था कि 1 अगस्त 2018 से पहले जिनका ग्रेजुएशन हो चुका है, वही इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर मान के चलते हैं कि किन्हीं स्टूडेंट अभी फाइनल ईयर में है ग्रेजुएशन के, और वो चाह रहे हैं फॉर्म भरने का, अगर उनको पता है कि 1 अगस्त 2018 से पहले उनका जो है फाइनल हो जाएगा ग्रेजुएशन, तो फिर वो भी फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये जो देख रहे हैं आप फोर में, ये देख लीजिएगा। स्टूडेंट्स, इसमें मैं आपको इम्पोर्टेंट ही कुछ दिखा रहा हूँ, लेकिन आप फॉर्म भरने से पहले मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ, आप पूरा नोटिफिकेशन ज़रूर पढ़िएगा, वो भी केयरफुली पढ़िएगा। जनरल कैंडिडेट के लिए और ओबीसी के लिए 100 रुपीज़ फ़ीस है, और बाकी SC ST जो हैं और अदर जो हैं उनके लिए 0 रुपीज़ है फ़ीस। यहाँ पे अप्लाई का डेट दिया हुआ है कब से, 5 मई से स्टार्ट हो चुका है, जो 4 जून तक आप अप्लीकेशन भर सकते हैं। आप नेट बैंकिंग से ऑनलाइन पेड कर सकते हैं इसको, अगर आप चालान से भेजना चाहते हैं तो फिर आपको 7 जून से पहले वो चालान पहुंच जाना चाहिए ऑफिस में, और वो चालान आपका 4/6/2018 से पहले का होना चाहिए, ये चीज़ ध्यान से देखिएगा। और आप अपना अप्लीकेशन स्टेटस ज़रूर चेक करिएगा एक बार। स्टूडेंट, यहाँ पे हर एक रीजन का यहाँ पे कोड दिया हुआ है, आप जहाँ पे एग्ज़ाम्स देना चाहते हैं उसका कोड यहाँ पे आप फॉर्म भरते वक्त वहाँ पे डाल लीजिएगा। और यहाँ पे आपका एक स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ पे दे रहा है, यहाँ पे देखिए ध्यान से, टीयर 1 जो है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है, टीयर 2 जो है ये भी कंप्यूटर बेस्ड है, और यहाँ पे टीयर 3 जो है पेन एंड पेपर मोड डिस्क्रिप्टिव है, और टीयर 4 जो है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट है, स्किल टेस्ट है ये। ठीक है, आप टीयर 1 के यहाँ पे देख लीजिए, टीयर 1 में जो हैंगे सिलेबस वही है जो पिछले साल था, 25-25 क्वेश्चन रहेंगे, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन रहेंगे, जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के 25 क्वेश्चन रहेंगे, और 50-50 मार्क्स के रहेंगे, यानी 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा। टाइम ड्यूरेशन आपका यहाँ पे दिया हुआ है 60 मिनट का रहेगा, और बाकी जो हैंडीकैप्ड हैं उनके लिए 80 मिनट टाइम दिया हुआ है। जो भी टीयर 2 है अब यहाँ पे देख लीजिए, टीयर 2 का पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 और पेपर 4 है। पेपर 1 में 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स, पेपर 2 में 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स, पेपर 3 में 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स, पेपर 4 में 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे देखिए, ये पेपर 1 और पेपर 2 जो है इसका एग्ज़ाम सभी लोग देंगे, और पेपर 3 का एग्ज़ाम वही लोग कैंडिडेट देंगे
जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर। इस पोस्ट के लिए जो भी कैंडिडेट भरेंगे, नीचे दिया हुआ है, सिर्फ वही इसका एग्ज़ाम देंगे। और इसका एग्ज़ाम भी वही कैंडिडेट देंगे, यहाँ पे दिया हुआ है नीचे नोट 4 और नोट 5 में। नोट 4 में देख लीजिए, जो भी जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर पोस्ट के लिए भर रहा है, सिर्फ टीयर 3 नहीं सॉरी पेपर 3 का एग्ज़ाम वही देगा। और नोट 5 में देख लीजिए, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के लिए जो पोस्ट के लिए भर रहा है, पेपर 4 का एग्ज़ाम सिर्फ वही देगा। और बाकी पेपर 2 और पेपर 1 इसका एग्ज़ाम्स सभी लोग देंगे। टीयर 1 जो है उसमें नेगेटिव मार्किंग है 0.50, हर एक गलत आंसर पे 0.50 आपका नेगेटिव मार्किंग किया जाएगा। और टीयर 2 का जो एग्ज़ाम है उसमें नेगेटिव मार्किंग जो है 0.25 है। लेकिन 0.25 जो नेगेटिव मार्किंग है वो किसके लिए है? टीयर 2 में, जो है 0.25 नेगेटिव मार्किंग पर हर एक गलत आंसर पे है, ये सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंसन के लिए ही है, ठीक है? और बाकी जो स्टूडेंट, ये पेपर 1 है, पेपर 3 है और पेपर 4 है, इसके लिए हर एक गलत आंसर पे आपके 0.50 मार्क्स कट किए जाएंगे। ओनली इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंसन के लिए 0.25 मार्क्स कट किए जाएंगे, यहाँ पे दिया हुआ है, आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। टीयर 3 दिया हुआ है, डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, 100 मार्क्स का होगा, पिछले साल के जैसे 60 मिनट टाइम दिया जाएगा। ऐसे प्रेसिस लेटर एप्लीकेशन लिखना होता है इसमें। जो भी कैंडिडेट का मेरिट लिस्ट निकलेगा, उनका पेपर 1, पेपर 2 सॉरी टीयर 1, टीयर 2 एंड टीयर 3, ये तीनों के मार्क्स जोड़ के मेरिट लिस्ट निकाले जाएंगे। और स्टूडेंट्स, एक और बात मैं बता दूं कि अभी वैकेंसी डिटेल्स दिया हुआ नहीं है, एक्चुअली वैकेंसी कितना है वो दिया हुआ नहीं है। यहाँ पे नीचे बता रहा है कि जब भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, उसके 1 महीना पहले पोस्ट वाइज टोटल वैकेंसी कितना है वो बताया जाएगा। हर एक पोस्ट के लिए कितना वैकेंसी है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने से 1 महीना पहले बताया जाएगा। अभी यहाँ पे कितना वैकेंसी है क्या है कुछ भी शो नहीं किया है। टीयर 1 का एग्जामिनेशन का सिलेबस है, देख लीजिए स्टूडेंट, सारा नोटिफिकेशन एक बार ज़रूर केयरफुली पढ़िएगा, तभी जाके फॉर्म भरिएगा, ऐसे ही मत जाइएगा। सिलेबस पूरा यहाँ पे दिया हुआ है आपका। जिस पोस्ट के लिए आप फॉर्म भर रहे हैं, हर एक पोस्ट का यहाँ पे दिया हुआ है सिलेबस। इकोनॉमिक्स एंड गवर्नेंस, यहाँ पे उसका सिलेबस दिया हुआ है। स्किल टेस्ट है, स्किल टेस्ट का यहाँ पे दिया हुआ है कि जो भी टैक्स असिस्टेंट होगा सेंट्रल एक्साइज इनकम टैक्स में डाटा एंट्री के लिए, डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट जो है उसमें 8,000 की डिप्रेशन पर आवर ये दिया हुआ है। 8,000 की डिप्रेस आपका होना चाहिए, डिप्रेशन 8,000 की डिप्रेशन होना चाहिए आपका 1 घंटे में, ठीक है? और यहाँ पे दिया हुआ है 15 मिनट का टाइम मिलेगा आपको, और 15 मिनट में 2,000 की आपका 2,000 की डिप्रेशन होना चाहिए 15 मिनट में। वही चीज़ है, 15 मिनट में 2,000 की डिप्रेशन होना चाहिए या फिर 1 घंटे में 8,000 की डिप्रेशन होना चाहिए। अब इसमें यह है कि गलत सही तो हम लोग ये नहीं कर सकते हैं, वो OBC और जनरल SC ST का वो दिया हुआ रहता है कि कितना परसेंट एक्यूरेसी होना चाहिए टाइपिंग में, 95%, 97% कुछ तो ऐसा रहता ही है। अभी तक मुझे जहाँ तक याद है कि OBC के लिए 95% एक्यूरेसी होना चाहिए, सॉरी 95% जो है जनरल के लिए एक्यूरेसी होना चाहिए, और 93%, 7% छूट रहता है एक्यूरेसी, गलत अगर टाइप कर रहे हैं, 7% OBC के लिए, तो 93% एक्यूरेसी OBC के लिए होना चाहिए। लेकिन आप इस पे मत जाइए, आपको पूरा 100% एक्यूरेसी के साथ ही टाइप करना है स्टूडेंट,
तभी जाके आप हो पाएंगे। अगर आप ऐसे जाएंगे कि इतना कम है, इतना परसेंटेज पे आप जाएंगे, तो फिर आप उससे भी कम परसेंटेज टाइपिंग करके आ जाएंगे और आप फाइनल मेरिट लिस्ट में आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आप टेस्ट में ही छट जाएंगे। अगर इससे भी ज़्यादा अगर डिटेल्स आपको देखना है, तो फिर आपके जो वेबसाइट है एसएससी का, जो वेबसाइट है उस पर जाके आप देख सकते हैं। डाटा एंट्री ऑपरेटर का जो स्किल टेस्ट है और सीपीटी टेस्ट है, उसका डिटेल्स आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में बता रहा है। और जो भी लोग इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए अप्लाई करने वाले हैं, उनका फिजिकल स्टैंडर्ड ये होना चाहिए, देख लीजिएगा, 1600 मीटर। आपको 15 मिनट में आपको चल देना है, साइकिलिंग करना है 8 किलोमीटर सिर्फ आधे घंटे में। तो स्टूडेंट्स, इसका तो नोटिफिकेशन अब आ चुका है, आप अपना जो भी तैयारी है अब वो उसको अच्छे से अब तैयारी में जुट जाइए। और स्टूडेंट्स, मेरे प्लेलिस्ट में जाके आप करंट अफेयर हर एक मंथ का देख सकते हैं। मार्च का भी करंट अफेयर मैंने डाला हुआ है, कुछ इंपॉर्टेंट है, और अप्रैल मंथ का भी मैंने करंट अफेयर डाला हुआ है, तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके करंट अफेयर आप देख सकते हैं। और उस पर मैं अभी जीके का कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ स्टार्ट करने वाला हूँ, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, इकोनॉमिक्स है, इंडियन इकोनॉमिक्स है, मैं कुछ इम्पोर्टेंट डालूँगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको आगे ज़रूर इम्पोर्टेंट मिलने वाला है। करंट अफेयर तो आप देख ही लीजिए, मैं 2 महीने का करंट अफेयर डाला हुआ हूँ ऑलरेडी। अगर आप नीचे कमेंट करके बताएंगे कि जनवरी और फरवरी का भी करंट अफेयर आपको चाहिए, तो फिर मैं वो भी डाल दूँगा। बाकी जो ये सब दिए हुए हैं मोड ऑफ सिलेक्शन के, उनके जो रूल हैं वो वहाँ पे दिए हुए हैं, किन बच्चों का सिलेक्शन होगा एग्ज़ाम्स होने के बाद भी। बाय द वे, इसमें आपका कोई भी डॉक्यूमेंट्स में कमी आता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम तो आपके अच्छे मार्क्स होते हुए भी आपको छांट दिए जाएंगे, उसी का यहाँ पे सभी रूल दिया हुआ है। ठीक है, आप इसको भी पढ़ लीजिएगा, लेकिन आप ऊपर का नोटिफिकेशन ज़रूर पढ़िएगा फॉर्म भरने से पहले, ताकि आप फॉर्म भरने में कोई गलत ना करें, गलती ना करें। वैसे हज़ारों स्टूडेंट ऐसे हैं जो गलती कर देते हैं, उनका फॉर्म ही रिजेक्ट कर दिया जाता है। और अगर बाय द वे सभी कुछ कैंडिडेट्स का मार्क्स अगर सेम आ रहा है, तो उनका सिलेक्शन कैसे होगा? अगर कुछ कैंडिडेट का मार्क्स अगर सेम आ रहा है, तो उनका सिलेक्शन कैसे होगा? यहाँ पे दिया हुआ है कैसे होगा, एसएससी पहले ही बता देता है, ताकि बाद में स्टूडेंट को, मतलब स्टूडेंट कुछ गलत ना समझे। पेमेंट के बारे में यहाँ पे बता रहा है, देख लीजिए, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग और चालान से कैसे पेड करने हैं वो बता रहा है। फिर कैंडिडेट जो भी फॉर्म भरेंगे, जो नए कैंडिडेट हैं, उनके बारे में वो अपना नाम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ जो भी है, वो अपना मैट्रिकुलेशन जो भी मैट्रिक में है सर्टिफिकेट के अनुसार ही भरेंगे। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका, जैसे कि ग्रेजुएशन में किन्हीं का नाम अगर कुछ एक एक स्पेलिंग इधर उधर हुआ रहता है, तो फिर वो डरे नहीं, उसका एफिडेविट आप बनवा लें, ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम होगा नहीं। आपका जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, वो मैट्रिक का डॉक्यूमेंट पे ही आपका ये सब चीज़ मिलाया जाता है। अगर इस पे किसी का अगर गलत हुआ, तो फिर आपके जो है रिजेक्ट कर दिए जाएंगे, ठीक है। लेकिन ग्रेजुएशन में अगर नाम आपका इधर उधर है, लेकिन मैट्रिक में वही नेम है जो आपने फॉर्म भरा है, तो फिर आपको ज़्यादा दिक्कत होगा नहीं, आपको सिर्फ एफिडेविट वगैरह बनवाना होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम। बाकी जो रूल यहाँ पे दिया हुआ है, एप्लीकेशन कैसे भरना है, ठीक है, आप एसएससी के वेबसाइट पे जाइए, ये लिंक ओपन करिए, वहाँ से आपको पूरा एक एक स्टेप यहाँ पे बता रहा है कैसे करना है, आप देखते जाइएगा। अगर खुद से फॉर्म भर रहे हैं तो, अगर साइबर में जा रहे हैं तो फिर उसके हाथ में डॉक्यूमेंट दे के छोड़ देते हैं, तो आप वैसा मत करिएगा, आप एक एक स्टेप देखिएगा कि वो क्या क्या भर रहा है,
आप उसको इन्फॉर्मेशन बताइएगा और वैसा भरेगा। ऐसा नहीं कि आपने उसको डॉक्यूमेंट दे दिया और घर चले गए, वो फॉर्म भर देगा, ऐसा कुछ नहीं करिएगा, नहीं तो आपको बाद में प्रॉब्लम हो जाएगा। और स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको ये चीज़ नहीं मालूम है कि कास्ट सर्टिफिकेट जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम वो कौन सा लगता है। लोग अपने गांव और ब्लॉक का बनवा के रखते हैं तो वो नहीं चलता है। कास्ट सर्टिफिकेट जो भी है आपका, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का चलता है। जैसे कि अगर आप ओबीसी एसटी के हैं तो फिर आपको यहाँ पे नीचे दिया हुआ है, आप इस चीज़ को प्रिंट निकलवा लीजिएगा। एससी एसटी कास्ट वाले जो हैं, इस ये जो दिया हुआ है पैराग्राफ, इसका आप प्रिंट निकाल लीजिएगा, ठीक है। आप यहाँ तक प्रिंट निकालिएगा, ये जितना दे रहा है 2-3 पेज का है, यहाँ पे प्रिंट निकलवा लीजिएगा। और आप अपने डिस्ट्रिक्ट का जो भी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है उसका यहाँ पे साइन चाहिए, आप वहाँ से करवा सकते हैं डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में जाकर। उसी तरह ओबीसी का कैंडिडेट का भी है यहाँ पे, अदर बैक वार्ड क्लासेस का, इस पेज का प्रिंट आपको निकालना है स्टूडेंट, ठीक है। और इसको जाके कलेक्ट्रिएट में आपको वहाँ से मोहर और साइन करवाना है, वहाँ से आपका ये चीज़ हो जाएगा, तो आपका ये सेंट्रल गवर्नमेंट का कास्ट सर्टिफिकेट माना जाएगा। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में यही वाला कास्ट सर्टिफिकेट लगता है, दूसरा कोई कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपने ब्लॉक से बनवाया है तो फिर वो नहीं चलेगा, ठीक है स्टूडेंट। तो मेरे प्लेलिस्ट में जाके आप करंट अफेयर ज़रूर देख लीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। मैं सीजीएल को दिमाग में रख के वीडियो बनाने वाला हूँ, आपको फ़ायदेमंद साबित होगा।